आपने ऐसी ड्रिंक्स के बारे में बहुत पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि जो लड़कियों को पब्स में या डिस्को में दी जाती है ड्रिंक्स में मिला के, कि जहाँ उनके बॉडी में कोई ताकत नहीं रह पाती है, वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनको कुछ याद भी नहीं रहता नेक्स्ट डे उठ के कि उनके साथ हुआ क्या है, और उसके ट्रेसेस भी नहीं पाए जाते। तो मुझे लगता है कि कोई इसी तरीके की ड्रग्स यूज़ हुई है सुशांत के ऊपर, जिसमें कि उसकी बॉडी में कुछ ताकत नहीं रह गई थी, ना ही वो कॉन्शियस था। इन लोगों ने सब काम करके अंदर से चटकनी लगा के दूसरी तरफ से निकल के आके, और इन लोगों ने वेट किया उसकी बहन के आने का, और तब तक इन्होंने बैठ के फिंगरप्रिंट सारे हटाए हैं। ऐसे कैसे हो सकते हैं कि एक नाइट पहले आपके घर में पार्टी है और दूसरे दिन आपको किसी एक्स वाई जेड के फिंगरप्रिंट्स घर में ना मिले? तो ये तो साफ पता चल रहा है कि इन्होंने एविडेंसेस के साथ खेलवाड़ किया है। इन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की क्योंकि ये चाहते थे कि पुलिस को जो स्टेटमेंट दे वो इसकी बहन दे, उसके सामने दरवाज़ा टूटे और वो खुद से देखे कि क्या हुआ है। जब इसकी बहन के सामने दरवाज़ा तोड़ा गया और देखा गया कि सुशांत सीलिंग से लटक रहे हैं, तो सब लोग, जब इससे चार लोग आपके बराबर में खड़े होते हैं, वो बोलते हैं दीदी अरे इसको डिप्रेशन था, ये बहुत सैड था, इसने सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर लिया। आप चार बार वही चीज़ कहोगे। जब पुलिस आई, पुलिस ने उसकी बहन से पूछा क्या, तो उसने बोला कि ये सुसाइड है। सुसाइड है तो जैसे जिया खान के केस में वो एक लेटर छोड़ के गई थी, क्लियरली उसने मेंशन किया था सूरज पंचोली का नाम, सूरज पंचोली का नाम होते हुए, सुसाइड नोट होते हुए भी उसको कुछ नहीं हुआ, तब कि वो तो कुछ भी नहीं है मीडिया इंडस्ट्री में। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आदित्य पंचोली जो उसका बाप है वो सलमान खान। ये मेरी वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करिए। ये दो क्वेश्चंस मैं मुंबई पुलिस से पूछना चाहती हूँ और इनके जवाब चाहती हूँ मैं, और आप लोग भी बताइए अगर मैं ठीक बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। कि एक तो हर एक सेलिब्रिटी जो कि मरा है पास्ट में, जैसे कि आप प्रवीण बॉबी जी को देख सकते हैं, आप दिव्या भारती जी को देख सकते हैं, आप सुशांत को देख सकते हैं, सबके सब कूपर हॉस्पिटल गए, क्या इन्हें कोई फिल्म इंडस्ट्री का डिस्काउंट मिलता है वहाँ पे जाने से? और सब बहुत दूर दूर बांद्रा रहते थे, जुहू रहते थे, और उनको ले जाया गया है। दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ कि मॉर्निंग में जब सुशांत उठे हैं, उन्होंने जूस मांगा है, उन्होंने पोमग्रेनेट जूस लिया है। पोमग्रेनेट जूस हम सबको पता है कि खून बढ़ाने के लिए, यू नो, स्फूर्ति तंदुरुस्ती के लिए होता है। जब एक बंदा इस तरीके का जूस पी रहा है, ही दैट शोज क्लियरली ही वॉन्ट्स टू लिव अ लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ। कौन बंदा इतने अच्छे जूस पी के बोलेगा कि अब चलो अब खून बढ़ गया अब मैं सुसाइड करता हूँ? इंडिया की जनता बहुत भोली है और उसको इमोशनल फूल बनाया जाता है मीडिया की तरफ से। अब मैं ये देख रही हूँ कि सैफ अली खान और शक्ति कपूर की वीडियो जो है लोग बाग शेयर कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के ये सोचिए कि ये क्यों कर रहे हैं। अपने आप से ये सवाल करना शुरू करिए कि इसके पीछे इनका क्या फ़ायदा है। तो सिर्फ ये फ़ायदा है कि सैफ अली खान, आप कैसे सोच सकते हो कि वो इसमें शामिल नहीं है? उसको सारे बॉलीवुड वाले ये बोल रहे हैं कि भैया अब ये स्टार किड्स को लेना बंद करेंगे, श्रद्धा कपूर और इसको लेना बंद करेंगे अपनी मूवीज़ में। द ओनली वे इनको थोड़ी सिंपैथी मिल सकती है कि आप दोनों वहाँ जाइए और आप दोनों बोलिए कि सुशांत के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, ये साले सबके सब दोगले हैं, साले सबके सब मिले हुए हैं, तो आपकी बच्चियों को सिंपैथी मिलेगी पब्लिक से, वरना आप भूल जाइए कि आपकी बच्चियों की चीज़ रिलीज़ होगी। सो प्लीज़ अली खान कहता है कि ये सबके सब ढकोसलेबाज हैं, ये सबके सब ड्रामेबाज हैं, इन लोगों को चुप रहना चाहिए था, सुशांत बिल्कुल सही था, सुशांत के साथ मैंने काम किया है पुरानी मूवी में, मुझे वो बहुत ही दिल का सच्चा और अच्छा बंदा लगा। अगर ऐसी ही बात थी तो उसने पहले इसकी हेल्प क्यों नहीं की? वो ये अब इसलिए कर रहा है क्योंकि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उसको कह रहे हैं भैया अब लोगों में इतना आक्रोश है, लोगों में इतना गुस्सा है इंडिया की जनता में कि वो आपके बेटे की मूवी नहीं देखेगी, आपकी कोई मूवी नहीं देखेगी, तो अगर आपको ये चीज़ को करेक्ट करना है तो आपको जाके स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो करीना कपूर, करण जौहर, सलमान खान, ये सब के सब आपस में बैठे होंगे और उन्होंने बोला होगा कि भाई कोई बात नहीं, हमारी बुराई कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू एक्स वाई जेड करके कर दे, तुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, हम देख लेंगे जो होगा, एटलीस्ट बच्चों की मूवी तो आएगी। सेम शक्ति कपूर के साथ हुआ होगा, शक्ति कपूर को भी प्रोड्यूसर्स ने बोला होगा कि अगर अपनी बेटी की मूवी देखनी है तो अच्छी अच्छी बातें बोल दो सुशांत के बारे में। तो बेवकूफ़ बनना बंद।